रिसेंटली आने वाले कई सारी फिल्मों का बड़ी अपडेट अनाउंस हुई है और जहाँ पर पुष्पा 2 से शुरू करके ब्रह्मास्त्र का अपडेट भी शामिल है। दोस्तों और कौन सी फिल्म है इस लिस्ट पर जानने के लिए शुरू से अंत तक के वीडियो जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 11 राधेश्याम का अपडेट, जहाँ पर ये फिल्म है रिबलिस्ट प्रभास और पूजा हेगड़े की नेक्स्ट अपकमिंग बिग बजट रोमांटिक फिल्म, जहाँ पर टीम ने रिसेंटली इसका ट्रेलर से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट दिया है, जहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी पर एक ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट करके 23 दिसंबर में इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। नंबर 10 योद्धा, और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का अपकमिंग बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जहाँ पर इस फिल्म पे दिशा पटानी और राशि खन्ना को नया पोस्टर के दौरान वेलकम भी की गई है और ऑलरेडी सीट का पोस्टर फैंस को काफी इंप्रेस किया है। और बता दोस्तों जहाँ पर ये फिल्म रिलीज होगा 11 नवंबर 2022 में। नंबर 9 ट्रिपल आर का अपडेट, और जहाँ पर ये फिल्म है मेगा पास्ट और राम चरण और जूनियर एंटर का नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला पैन इंडियन फिल्म है, जहाँ पर ट्रिपल आर का टीम ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि इसका हिंदी प्री रिलीज इवेंट 19 दिसंबर में मुंबई पर होगा। और बता दोस्तों जहाँ पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट की जाएगा, पर अभी तक किस रिलेटेड कन्फर्मेशन नहीं आई है। और बता दोस्तों दूसरी तरफ ट्रिपल आर का यूएसए पर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुआ है। नंबर 8 धनुष राजा का नेक्स्ट, उनका एक अपकमिंग फिल्म आने वाले है डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन के साथ। बता दोस्तों एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगा जिसकी स्टोरी 1950s पर बेस्ड होगा और इसमें तमिल फिल्म हिस्ट्री का एक अनएक्सप्लोर्ड स्पेस को दिखाया जाएगा। नंबर 7 हिट 2 का अपडेट, और जहाँ पर यह अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म होगा और ये है 2020 का ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट द फर्स्ट केस का सेकेंड इंस्टॉलमेंट, पर अभी हिट 2 पर हमको वन ऑफ द थ्रिलिंग एक्टर आदि विशेष को देखने को मिलेगा और हिट 2 का एक ग्लिम्स हुआ है रिवील्ड, जहाँ पर आदिवी को एक सिंपल पर स्टाइलिश कपल अफेयर में नजारी है। नंबर 6 ब्रह्मास्त्र का अपडेट, और ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की नेक्स्ट अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म है और ये बॉलीवुड के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। और बता दोस्तों रिसेंटली एक इवेंट पे टॉलीवुड का नंबर 1 डायरेक्टर एसएस राजामौली ने रिवील किया है कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो साउथ लैंग्वेज है यानी कि तमिल तेलुगु और मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और ब्रह्मास्त्र पैन इंडियन में रिलीज होगा 9 सितंबर 2022 में। नंबर 5 लाइगर का रिलीज डेट, और जहाँ पर लाइगर अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जहाँ पर राउडी हीरो विजय देवराकोंडा को लीड रोल में, दूसरी तरफ अनन्या पांडे और विलेन के अवतार में बॉक्सिंग लीजेंड माइक टाइसन को दिखाया जाएगा और ये फिल्म होगा विजय का कैरियर में फर्स्ट पैन इंडियन प्रोजेक्ट और लाइगर रिलीज होगा 25 अगस्त 2022 में। नंबर 4 मानाडू का अपडेट, जहाँ पर यह फिल्म सिम्बू का 2021 का साइंस फिक्शन फिल्म था और जो रहा ब्लॉकबस्टर, और अभी इस फिल्म को डिजिटली रिलीज कर दिया जाएगा और जो रिलीज होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लाइव पर 24 दिसंबर। नंबर 3 हरिहरा वीरमल्लू का अपडेट, और जहाँ पर यह फिल्म है पावर स्टार पान कलन का नेक्स्ट अपकमिंग प्योर एक्शन एडवेंचर फिल्म और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि इसमें जैकलिन ने प्रिंसेस की रोल प्ले करने के लिए साइन की थी, पर अभी उन्होंने इस फिल्म का पार्ट नहीं रहेंगे और अभी इसी रोल पर देखने को मिल जाएगा नरगिस फखरी को, यानी कि इस फिल्म पे एक तरफ होंगे पावर स्टार पान कलन, दूसरी तरफ नरगिस और ये फिल्म पैन इंडिया में 29 अप्रैल होगा रिलीज। नंबर 2 मार्टिन का अपडेट, और ये फिल्म है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक्शन प्रिंस ध्रुवा सर्जा का नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म और जो एक कॉलेज बैकड्रॉप पर बेस्ड है, जहाँ पर कॉलेज स्टोरी के साथ रोमांस और एक्शन भी नजर आएंगे और जहाँ पर यूमर था कि इस फिल्म पर ध्रुवा सर्जा का डबल रोल दिखाया जाएगा। पर बता दोस्तों ध्रुवा ने रिसेंटली कन्फर्म किया है कि इसमें उन्होंने डबल रोल नहीं प्ले करी है और इस फिल्म का ऑलरेडी 50% शूटिंग कम्प्लीट हुआ है। नंबर 1 पुष्पा 2 का अपडेट, हाँ दोस्तों जहाँ पर पुष्पा द राइज बॉक्स ऑफिस तोड़ कर करी है कलेक्शन और वह पुष्पा 2 को लेकर डायरेक्टर सुकुमार ने है काफी एक्साइटेड, जहाँ पर सुकुमार ने यह कहा कि पुष्पा द राइज सिर्फ कैरेक्टराइजेशन का पार्ट था और असली स्टोरी तो पार्ट 2 पर नजर आएंगे और उन्होंने ये भी कहा
कि पार्ट वन को लेकर उन्होंने काफ़ी सेटिस्फाइड है और पार्ट टू को लेकर उन्होंने है फुल्ली कॉन्फिडेंट। और अभी पुष्पा टीम ने प्री प्रोडक्शन का काम करी है और पुष्पा टू यानी कि पुष्पा द रूल 2022 का फरवरी से इसका शूटिंग स्टार्ट होगा। और साथ में ये भी रिवील्ड हुआ है कि पुष्पा टू पर फहद फसल को मेन विलेन के अवतार में नजर आएंगे और साथ में दूसरा जो कास्ट रहा उन सभी कास्ट को भी दिखाया जाएगा। यानी कि स्टार अल्लाह जुने और एक बार अपनी मेगा प्रोजेक्ट पुष्पा का सेकेंड पार्ट को लॉन्च करने वाले हैं 2022 में ही। तो सो ये रहा कुछ नए फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में। और इन सभी अपडेट से कौन सी सबसे पावरफुल रहा कमेंट पे बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा। और सके बॉलीवुड साउथ इंडिया से अपडेट पाने के लिए मानसी जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।